This is one-on-one session with the Forum IS founder and director Ayush Sinha. In this session, students are asked questions to test their preparedness for the personality test. One-on-one sessions are not mock panel sessions. So Sahil, let us begin with a couple of questions. Yes. Can you briefly introduce yourself to me? Yes, sir. Sir, with your permission, can I speak in Hindi as my video interview is Hindi? बिल्कुल बिल्कुल सही. बताइए अपने बारे में कुछ. मेरा नाम सही मीना है. मैं राजस्थान के दौसा जिले से belong करता हूँ. लेकिन मैंने अपनी schooling सर जयपुर से की है. उसके बाद मैंने अपना graduation IIT Roorkee से किया है, BTech metallurgical and materials engineering में. मेरी हॉबीज हैं प्लेइंग एंड वॉकिंग स्नूकर और बाइक एक्सकर्शंस. बाइक एक्सकर्शंस? यस सर. सबसे महंगी बाइक कौन सी चलाई है आपने? सर महंगी मैंने सर प्राइस ना ध्यान नहीं दिया क्योंकि बाकी मैं ट्रिप सर जाता था कॉलेज के दौरान तो पल्सर 220 मैं प्रेफर करता था. बजाज की? यस सर. 220 क्या डिनोट करता है इसमें? सर सीसी डिनोट करता है. हम लोग बाइक्स में कौन सा इंजन यूज करते हैं? Sir, I am not sure, but it is two-stroke and I'm not sure. What is the difference between this two-stroke and four-stroke? Sir, I am not aware about this. Okay. Metallurgical and Materials Engineering में आपने BTech किया है. Yes, sir. एक बहुत ही प्रसिद्ध आयरन पिलर है देश में. Yes, sir. कहाँ है वो? Sir, मेहरौली सर आयरन पिलर है दिल्ली में. आपने देखा है? Yes, sir. क्या कारण है कि वो अभी तक रस्ट नहीं कर? सर उसकी जो वेल्डिंग स्ट्रेटजी है सर वो लेयर्स के थ्रू की गई है. मतलब मेरे को जितनी मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ तो उसकी वजह से सर उसमें रस्ट नहीं लगता. मतलब लेयर्स के थ्रू बनी हुई है वो? यस सर. जो वेल्डिंग है उसमें वो लेयर बाय लेयर उसकी वेल्डिंग की गई है तो उसकी वजह से सर एंटी रस्ट प्रॉपर्टी है उसमें. ये सही जवाब है आपके हिसाब से? सर मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे और पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में. भारतीय अर्थव्यवस्था की वो क्या मजबूरियां हैं जिसके कारण आप जैसे यंग आईआईटी इंजीनियर्स सिविल सेवा में आने को मजबूर हो जाते हैं? सर मुझे लगता है कि सर सिविल सेवा में कोई भी सर मजबूरी के कारण नहीं आता. ये कुछ एस्पिरेशन और कुछ एम्स होते हैं लोगों को सर्व करने के ग्राउंड लेवल पे तो हर कोई सर मुझे लगता है उसकी वजह से सिविल सर्विस में आना चाहता है. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि अर्थव्यवस्था की कुछ कमजोरियां हैं जिसके कारण ऐसा एक्सोडस हो रहा है हमारे टॉप कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल सर्विस की तरफ, तो क्या अर्थव्यवस्था की वो क्या क्या बुनियादी ढांचे में वो क्या समस्या है सोच कर उत्तर दें? सर कुछ समस्याएं जो मुझे ध्यान में आ रही है तो जो अकेडमिक और इंडस्ट्री का कोलेबोरेशन है करिकुलम सर वो अभी मैच नहीं करता है. जो हम अकेडमिक्स में पढ़ते हैं वो इंडस्ट्री की जो स्किल्स है उससे थोड़ा सा मैच नहीं करती है, सबसे बड़ा वो है. दूसरा सर आईटी सेक्टर का प्रोलिफरेशन हो रहा है तो जो कोर ब्रांचेस में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं सर वो थोड़ी कम है तो ये दूसरा कारण है इसका. सर अभी मुझे दो कारण. उत्तराखंड में जोशीमठ में क्या हो रहा है? सर वहाँ पे अभी जैसे देखा गया है लैंड सब्सिडेंस की सर प्रॉब्लम आ रही है. ये समस्या सर इसके नेचुरल और मेनमेड सर दोनों रीजंस हैं. जैसे देखा जाए तो वहाँ पे वो एक लैंड स्लाइड की सर डेब्रिज पे वो सिटी प्लान की गई है तो अनसस्टेनेबल वहाँ पे अर्बन प्लानिंग की गई. पहला रीजन तो ये है. दूसरा सर वहाँ पे तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट एक बनाया जा रहा है तो उसके लिए 1 किलोमीटर लंबी टनल को दी गई तो अपना बेडरॉक है वो मतलब जो कॉन्सोलिडेशन है वो वीक हो गया उसके वजह से, एक रीजन ये है. तीसरा सर हेलांग बाईपास बनाया जा रहा है तो उसकी वजह से भी सर वहाँ के जो सॉइल डेब्रिज है वो लूज हो गया. ये सर दो तीन रीजन है. हमें क्या करना चाहिए वहाँ पर? बिल्कुल विकास कार्यों को रोक देना चाहिए? सर इसके सर इमीडिएट और लॉन्ग टर्म सर दोनों सॉल्यूशन हमें लेने पड़ेंगे. इमीडिएटली जैसे सर एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए भी हैं कि उनको रिहेबिलिटेट कर दिया जो भी फैमिलीज वहाँ पे थी उनको और उनको पूरी तरह सर एड दी गई है. और दूसरा सर अभी टेम्परेरी टाइम के लिए सर वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है लेकिन एक प्रॉपर इस पे एक एनालिसिस के बाद हमें सस्टेनेबल तरीके से वहाँ पे प्लानिंग करनी होगी सर अर्बनाइजेशन के लिए. स्कूल्स में हिजाब को बैन करने को लेकर आपके क्या विचार हैं? सर मुझे लगता है कि जैसे कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी सर ये जजमेंट दिया है कि
हिजाब बैन के पक्ष में उन्होंने दिया है, तो मैं भी सर हाई कोर्ट के ऑनरेबल हाई कोर्ट के सर डिसीजन से सहमत हूँ कि यूनिफॉर्म स्कूल में सर एक इक्वलिटी के बात पे हम देखें तो वहाँ पे सर एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होने चाहिए। तो उसके लिए अगर स्कूल का अपना मानना है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म होने चाहिए और इसको बैन करना चाहिए, तो सर मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। गोदावरी की जो जनसंख्या है लगातार कम हो रही है, मेरे ख्याल से 150 या 200 कितने बचे हैं सर? अराउंड 150-200। क्या कारण है उनकी जनसंख्या लगातार कम होने की? सर पहला तो सर जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं सर, उनसे काफी सर एक्सीडेंटल सर उनकी मोर्टेलिटी हो गई है, तो पहला रीजन वो है। दूसरा सर जो उनका इकोसिस्टम है सर, उसमें भी जैसे मैन मेड और क्लाइमेट चेंज की वजह से बदलाव आए हैं, तो वो एक दूसरा रीजन है। जो हंटिंग हो रही है सर, वो भी एक कारण। हंटिंग हो रही है सर पाकिस्तान में सर। तो आपने फिर से बोले क्या कारण बताया आपने सबसे पहले? तो इलेक्ट्रिक वायर से सर एक्सीडेंटल मोर्टेलिटी भी हो जाती है। दूसरा सर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उनको इकोसिस्टम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन इलेक्ट्रिकल वायर्स को अंडरग्राउंड करें, इसमें क्या समस्या है? पावर कंपनीज क्या कह रही है सर, मुझे इस बारे में और पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तार्किक तरीके से सोचकर बताइए कि पावर कंपनीज क्या कह रही है, क्या कहेंगे? इससे खर्च बढ़ेगा? यस। वहां पर कौन किस तरह के सोलर, किस तरह के पावर प्लांट्स? सोलर पावर प्लांट्स। उत्तर तो मैंने दे दिया, उससे कॉस्ट बढ़ेगी सौर ऊर्जा की, ये हमारी पब्लिक नीति के खिलाफ। राजस्थान में क्या कारण है जिसके कारण आज भी चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं? सर इसके सर हिस्टोरिकल रीजन रहे हैं सर, फिर उसे जैसा देखा गया है कि यहाँ पे जो फॉरेनर्स थे जब वो अटैक करते थे, तो राजस्थान बिल्कुल सर वेस्टर्न बॉर्डर पे पड़ता है, तो उनको सर एक डिग्निटी के तौर पे देखा जाता था वुमेन्स को, तो उनकी अर्ली मैरिज से शादी कर दी जाती थी पहले। दूसरा सर हम देखें क्यों क्यों कर दी जाती थी, ताकि सर वो वुमेन्स को एक डिग्निटी के तौर पे देखा जाता था, तो जब फॉरेनर्स अटैक करें और उसके बाद सर उनके साथ रेप हो या ऐसी कुछ गतिविधियां, उसकी वजह से सर उनकी पहले से शादी कर दी जाती थी। दूसरा सर हम देखें तो आज के समय सर वुमेन लिटरेसी रेट भी सर राजस्थान में 52.1% है, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है। तीसरा जो एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं सर वुमेन्स के लिए, वो कम है। अगर वो उस फील्ड में जाएंगी तो मुझे लगता है इससे भी एक बदलाव आएगा चाइल्ड मैरिज में। कृषि को बढ़ावा देने के लिए या फिर आम जनमानस को पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए वहां पर एक कैनल सिस्टम शुरू किया? yes, कौन से कैनल सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं सर? इंदिरा गांधी कैनल। उसके कारण आज के समय कुछ समस्याएं हो रही yes, क्या समस्याएं हैं सर? उसकी जो प्रमुख दो समस्याएं हैं वो वाटर लॉगिंग और सर सॉइल सैलिनिटी सर, जो दो प्रमुख समस्याएं हैं उसके विषय वो हैं सर। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल में yes, भारत एक परमानेंट सीट चाहता है yes, इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग तर्क क्या देता है भारत, या क्या सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या है? yes, सर जो सबसे स्ट्रॉन्ग तर्क है इसके लिए भी जो इंडिया की सर सिविलाइजेशन वैल्यूज हैं सर, वो जो यूएनएससी का मैंडेट है ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी को बनाए रखने में, वो सर इंडिया की सिविलाइजेशन वैल्यू से मैच होता है। और जैसे हम देखा जाए यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सर इंडिया ने वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किया है सर यूएन के फाउंडिंग के बाद, तो ये सबसे बड़ा तर्क सर इंडिया द्वारा दिया जाता है। और क्या तर्क है सर इसके अलावा? इंडिया सर थर्ड लार्जेस्ट आर्मी है सर इंडिया के पास, ये है एक। इसके अलावा सर न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है इंडिया, तो ये दो तीन सर सर इंडिया द्वारा दिए जाते हैं। और आज की सर जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है सर, उसको भी जो उसके परमानेंट मेंबर्स हैं वो सर मैच नहीं करते हैं। अभी पूरा ग्लोबल स्ट्रक्चर सर बदल चुका है, तो उसको वहां पे दर्शाने के लिए सर रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है, रिप्रेजेंटेटिवनेस भी सर बढ़ानी चाहिए वहाँ। हार्दिक सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? सर इसके सर दो तीन रीजन हैं। सबसे पहले तो सिविल सर्विसेज मुझे सर अपॉर्चुनिटी और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा, जिसको यूज करके मैं सर वेरियस फील्ड्स में लोगों को ग्राउंड लेवल पर सर्व कर सकता हूँ। इसके अलावा सर सिविल सर्विस वन ऑफ द प्रेस्टीजियस सर्विस है सर हमारी कंट्री की, तो मेरे लिए सर एक ऑनर की भी बात होगी अगर मैं अपनी सेवा यहाँ पे दे पाऊँ। और तीसरा रीजन ये है कि सर जो एक मुझे एक अच्छा करियर प्रोवाइड करेगा जॉब ग्रोथ के साथ और अदर फैसिलिटीज के साथ,
तो ये सर होल सब कॉम्बिनेशन मुझे लगता है सिविल सर्विस मुझे प्रोवाइड कर पाएगी, इससे मैं इसमें आना चाहूँगा। ठीक है हार्दिक, योर इंटरव्यू इज ओवर।